यान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। चांद पर पहुंचते ही विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने कई चीजों की खोज की, मगर जैसे ही 14 दिन बाद चांद पर रात हुई तो 4 सितंबर को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया। 14 दिन बीतने के बाद चांद पर अब सवेरा हो चुका है। सभी को बेसब्री से इंतजार था कि जैसे ही चांद पर सवेरा होगा विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान स्लीप मोड से बाहर आ जाएंगे, लेकिन दोनों 3 दिन से गहरी नींद में हैं। जी हाँ, बता दें कि 22 सितंबर को चांद पर सवेरा हुआ था, जिसके बाद इसरो ने विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन दोनों से संपर्क नहीं बन पाया। बावजूद इसके इसरो अभी भी उम्मीद लेकर बैठा है कि लैंडर और रोवर गहरी नींद से जागेंगे। आइए जानते हैं कि इसरो ने विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान को लेकर क्या कहा है। इसरो चीफ एस सोमनाथ को उम्मीद है कि विक्रम और प्रज्ञान एक बार फिर से एक्टिव होंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आगे भी सिग्नल नहीं मिलेगा। हमें पूरे चंद्र दिवस, जो कि धरती के 14 दिन के बराबर है, तक इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इस समय के दौरान वहां लगातार सूर्य की रोशनी पहुंचती रहेगी, जिसका मतलब है कि तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मीडिया से बात करते हुए एस सोमनाथ ने आगे बताया कि तापमान बढ़ेगा तो प्रज्ञान और विक्रम के सिस्टम में भी अंदर से गर्माहट आ जाएगी, इससे 14वें दिन भी जग सकता है, लेकिन यह कब होगा इसकी भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं है। इसरो चीफ ने बताया कि अगर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान फिर से एक्टिव होते हैं तो इसके कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वो फिर से वहां पर स्टडी शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर दूसरी पारी शुरू करते हैं या नहीं, इससे चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। मिशन ने पहले ही अपने लिए तय किए गए सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जैसे कि चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर का चांद की सतह पर चहलकदमी और वहां वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट। इसरो ने लैंडर और रोवर की जितनी लाइफ तय की थी उतना वो काम कर चुके हैं। अगर दोनों जग गए तब ये बोनस की तरह होगा। देखने वाली बात यह है कि विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान क्या स्लिप मोड से बाहर आ पाते हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाकी देश और दुनिया के तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।